सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम क्वेश्चन ऑफ हिंदी लैंग्वेज से बात करेंगे। दोस्तों चलते हैं आज सीधा एकदम क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर एक है, इनमें से कौन सी भाषा काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है? ब्रिज भाषा, कन्नौजी भाषा, अवधी भाषा, तेलुगु भाषा। तो दोस्तों जो हिंदी की बहुत सारी भाषाएँ हैं तो उसमें काव्य भाषा के रूप में ब्रिज भाषा को जाना जाता है। प्रश्न दूसरा है, भारत में हिंदी भाषा को किस वर्ग में माना जाता है? तकनीकी भाषा में, बी राष्ट्रभाषा में, सी राजभाषा में, डी संकेतिक भाषा में। तो दोस्तों हिंदी को जो है भारत के अंदर राजभाषा के तौर पर माना जाता है। प्रश्न नंबर तीन है, हिंदी किस देश में सर्वप्रथम बोली जाती थी? हिंदी किस देश में सर्वप्रथम हिंदी किस देश में सर्वाधिक बोली जाती है? तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ए नेपाल, बी अमेरिका, सी श्रीलंका, डी भारत। तो भारत में नॉर्मली भारत ही एक हिंदी राष्ट्र है। हालांकि बहुत देशों में आज की डेट में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए तैयारी हो रही है, प्रोत्साहन किया जा रहा है। और बहुत कहने मतलब आज की डेट में 3-4 भाषा को छोड़कर हिंदी के बोलने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर हिंदी राष्ट्र बोला जाए सबसे ज़्यादा बोलने वाला तो भारत है। प्रश्न चार है, सितंबर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए पर्यावरण दिवस, बी जनसंख्या दिवस, सी हिंदी दिवस और डी श्रम दिवस। तो दोस्तों 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है, यह राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, जो पूरे विश्व में अलग अलग देशों में जो भी हमारे वहाँ पर ऑफिस हैं विदेशों में या जो एम्बेसी हैं उनमें जो लोग रहते हैं वो उसको आयोजन कराते हैं। हाँ दोस्तों, जो आपकी थर्ड यूनिट है उसके संबंधी ये क्वेश्चन है लैंग्वेज वाले में भी हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश वाला आएगा, क्योंकि ये हिंदी में दोस्तों इस तरह के भी क्वेश्चन मैं देखा हूँ आए हैं। आपको हिंदी के जो थर्ड यूनिट है उसमें जैसे लैंग्वेज दिया है, कंप्रेहेंसिव दिया है और साथ में ये स्किल कम्युनिकेशन दिया, तीन चीज़ें उसमें नोटेड हैं, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं आपके हिंदी ग्रामर से आए, यानी कि हिंदी की जो ग्रामर है, अलंकार, संधि, समास, प्रत्यक्ष विग्रह, वाक्य, और ये इनसे क्वेश्चन आए। लेकिन 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं जो हिंदी के बारे में पूछे गए हैं, 2-3 क्वेश्चन। तो आपको इस तरह की मैंने फिर देखा प्रश्न को, तो मैंने फिर आपको एक इस तरह की वीडियो दे रहा हूँ। आज मैं हिंदी की 3 या 2-3 वीडियो बनाऊंगा और सभी हिंदी से रिलेटिव होंगी। प्रश्न नंबर 5 है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949 को, बी 15 अगस्त 1947 को, सी 14 सितंबर 1950 को और डी है 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। प्रश्न नंबर 6 है, पूर्वी राजस्थान की कौन सी बोली है? ए मैथिली, बी मगही, सी बागड़ू, डी डुडाडी। तो दोस्तों डुडाडी है पूर्वी राजस्थान की भाषा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली या भाषा है? ए कन्नौजी, बी बांगड़ू, सी अवधी या सभी। तो दोस्तों यह सब की सब आपको एक पढ़ा होगा आपने, जो हिंदी की कुछ उपभाषाएं हैं उसको 2 पार्ट में पहले बांटा है, फिर 2 पार्ट के अलग अलग बांटा है, तो बहुत सारी भाषाएं हैं, उसको भी आप एक बार देख लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है। अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 443 से, यहाँ पर गलत हो गया दोस्तों, ये 443 से 451 था, ये आप इसको सही कर लेना। और प्रश्न नंबर बी में दिया है 334 से 153 तक, और सी में 443 500 ये सब गलत हो गया दोस्तों इसको आप ऑप्शन को छोड़ दीजिए। जो भारतीय संविधान में जो राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए हैं वो 343 से लेके 351 तक जो है, ये पता नहीं किसी कारण से हो गया प्रिंट करने में। आप इस चीज़ को, जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है
343 से लेकर 351 तक हिंदी को राजभाषा के संबंधित है। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की कितनी संख्या है? ए में 15, बी में 14, सी में 22, डी में 18। उत्तर है 22। पहले दोस्तों जब भारत संविधान लागू हुआ उस समय सिर्फ 14 भाषाएं थी, लेकिन बीच बीच में आपको एक इसका कब कब मिलाई गई हैं मैंने वीडियो बना चुका हूं, आप अनुसूची वाला जब देखोगे वीडियो भारतीय संविधान की अनुसूची, तो उसमें जो 8वीं अनुसूची में है अब टोटल 22 भाषाएं हैं। प्रश्न नंबर, इसको मैं इधर कर देता हूँ, प्रश्न नंबर 10, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों अभी क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हिंदी के लिए प्रोत्साहन के लिए सम्मेलन किए जा रहे हैं। तो ए में दिया पोर्ट्स ऑफ स्पेन, बी में दिया नई दिल्ली भारत, सी में दिया लंदन ब्रिटेन, और डी में दिया मॉरिशस की राजधानी पोर्ट विलियम। तो दोस्तों 11वां विश्व सम्मेलन 2019 जो हुआ था वो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में हुआ था। प्रश्न नंबर 11 है, पहला विश्व हिंदी दिवस कब और कहाँ मनाया गया था? तो दोस्तों जो पहला इंटरनेशनल हिंदी दिवस मनाया गया था, पोर्ट्स ऑफ स्पेन, बी नागपुर भारत, सी लंदन ब्रिटेन, डी मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। तो दोस्तों यह पहली बार 10 जनवरी 1975 को नागपुर भारत में विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया गया था। प्रश्न नंबर 12 है, ब्रज भाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो ब्रज भाषा का, जो ब्रज भाषा खासकर कहाँ बोली जाती है, मथुरा एटा मैनपुर वाले एरिया में या बोली जाती है, इसका प्राचीनतम जो सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है कौन सा है? ए जायसी, बी चंदायन, सी जो है प्रद्युम्न चरित, और डी लोर कहा। तो इसका प्रद्युम्न चरित जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। तो इसमें ए आता है बघेली, बी ब्रज, सी कन्नौजी, डी बुंदेली। तो दोस्तों बघेली जो भाषा है वो पूर्वी हिंदी की नहीं है। प्रश्न नंबर 14 है, हिंदी की जितनी बोलियां हैं उनके वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो छत्तीसगढ़ी कौन सी है? पूर्वी हिंदी, उत्तरी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो दोस्तों यह पूर्वी हिंदी आती है, जो इसमें आती है छत्तीसगढ़ में भी है, या छत्तीसगढ़ की जो बोलने वाली हिंदी है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 15 है, ब्रज भाषा कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के, पहाड़ी हिंदी के, पूर्वी हिंदी के, बिहारी हिंदी के? तो दोस्तों ब्रज भाषा जो है वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 16 है, मगही कौन सी उपभाषा की बोली है? तो मगही जो है पूर्वी हिंदी की, बिहारी की, राजस्थानी की, दक्षिणी हिंदी की? तो दोस्तों मगही जो है वो बिहारी हिंदी की एक उपभाषा है। पुरानी बंगला को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? यानी कि पुरानी बंगला भाषा जो है ब्रजमुखी के नाम से, ब्रज नाम के नाम से, सी ब्रजबोली के नाम से, या ब्रजबुला के नाम से? तो दोस्तों जो बंगाली भाषा है उसको प्राचीन काल में या पहले जो है ब्रजबोली के नाम से जानते थे। प्रश्न नंबर 18, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देश का वर्णन किया गया? तो अनुच्छेद ए में दिया 352, अनुच्छेद 353, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 350। तो दोस्तों 351 अनुच्छेद भारतीय संविधान में जो है हिंदी के विकास के लिए निर्देशित किया गया है। प्रश्न नंबर 19 है, प्रथम विश्व हिंदी दिवस का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? पोर्ट लुइस मॉरिशस, नागपुर भारत, नई दिल्ली भारत, लंदन ब्रिटेन, या तो इसका उत्तर नागपुर। यह क्वेश्चन द्वारा हाँ दूसरी तरह से रिपीट हो गया है, तो दोस्तों नागपुर, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिंदी के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय के बारे में पूछा जाता है तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पोर्ट लुइस मॉरिशस में, बी नई दिल्ली भारत में, सी लंदन ब्रिटेन में, डी न्यूयॉर्क अमेरिका में? तो पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था दोस्तों। तो आज के वीडियो में सिर्फ 20 क्वेश्चन हिंदी के संबंधी जो आते हैं मैंने महत्वपूर्ण छाट के आपको वीडियो प्रोवाइड कराया है दोस्तों, आप इनको देख लें, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इस तरह के भी आपके लैंग्वेज वाले यूनिट में आते हैं। और मेरा अभी आपसे कहना है, सबसे ज़्यादा ध्यान आपने प्रोफेशनल का भी पढ़ लिया, रीजनिंग भी पढ़ ले होंगे, मैथ भी पढ़ लिए आप जो है, और जनरल अवेयरेंस भी, लेकिन आप हिंदी पे भी थोड़ा ध्यान दें, कहीं ऐसा ना हो आपको 30 में से 15 नंबर लाने मुश्किल हो जाए। दोस्तों साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही मेरे उन दोस्तों को भी शेयर कर दें जो उनको इसकी आवश्यकता है, या जो, और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए।
दोस्तों साथ ही आप मेरी वेबसाइट पे इसको टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं। कोशिश करूँगा PDF बना के भी मैं डालना शुरू कर रहा हूँ अभी, और आपको आने वाले एग्ज़ाम इस वेबसाइट पे मैं आपको पूरे PDF, जो पुराने ओल्ड पेपर्स हैं, जो पुराने मॉडल्स पेपर हैं, जैसे मैंने भी आपको इसमें डाला है जनरल फाइनेंस रूल का बुक जो है हिंदी, पूरा मैंने इसको डाल दिया PDF, आप उसको पढ़ सकते हैं, वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही व्हाट्सएप, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी 8825072295 पर मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, और आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैसेज तभी कर देना, और किसी मामले में पूछना, जैसे ही टाइम मिलेगा दोस्तों मैं आपको उसका जवाब रिप्लाई दूंगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू।